नमस्कार, मैं हूं कमलेश चंद्र और ये खास प्रोग्राम हमने पेरेंट्स के लिए बनाया है। इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। आप देखते हैं कुछ लोग दे आर एक्सेप्शनली सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स एंड देर आर अदर्स दे स्ट्रगल अलॉट। कुछ बड़ों को हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों में दे गेट फ्रस्ट्रेटेड यू नो एंड गेट डिप्रेस्ड, थिंक यू नो वेरी मैनी टाइम्स वेरी नेगेटिव एंड ऑल। एंड ऑन द अदर हैंड यू सी सम पीपल इन एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस, दे स्टिल नो हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस एंड हाउ टू प्रोग्रेस एंड हाउ टू फाइंड आउट वेज एंड एक्सप्लोर न्यू पाथ्स। तो ये क्या होता है, क्यों कुछ लोगों में तनाव के प्रति जो है वो एक उसको कंट्रोल या मैनेज करने की जो है क्षमता नहीं होती, जबकि दूसरों में होती है। आपने देखा होगा देयर आर सम पीपल देयर एक्सीलेंट एज फार एज देयर एकेडमिक्स और लर्निंग इज कंसर्न, बट देयर अदर्स दे लैक अ लॉट इन दिस। तो पढ़ाई में लगातार वो तरक्की करते हैं, जबकि कुछ बच्चे लगातार पीछे छूटते चले जाते हैं। नाउ व्हाट शुड बी और व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। Now, there are some people, they are getting great success, but there are others, they are struggling. Now, the point is, most of the people on globe, especially working with human mind and brain and the capacity of the brain, sab log ek hi tarike se is baat ko dekhte hain ki janm ke samay insaan ke paas there is a lot of potential, ek kshamta, ek taakat har insaan aur har bacche ke paas hai। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करा जाना चाहिए, उस ताकत को यूज़ कैसे करा जाना चाहिए और कौन कितनी उसे यूज़ कर पाता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे के दिमाग में जो 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 उसके दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, जो उसका माइंड का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ और उसके जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट हुआ वो किस तरह से हुआ। अगर उसमें सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ऐसी धारणाएं के साथ उसका ब्रॉट अप हुआ जहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा कम आँक के चलता है, अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझता है और वो हमेशा ही जो है अपने आप को थोड़ा करके देखता है, द काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उस जिस माहौल में वो रहा वहाँ उसमें डेवलप हुआ, या फिर जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है उसका ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, या लर्निंग की बात करें तो उसका जो सीकिंग ब्रेन का जो सीकिंग सिस्टम है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, वॉट एवर द रीज़न मे बी। बट टुडे साइंटिस्ट आर सेइंग दैट दिस पेरेंटिंग कैन मेक योर लाइफ एंड इट कैन ब्रेक योर लाइफ। यस, इट्स अ फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। So this program, we have done a lot of research, a lot of R&D, we have gone through different kind of books and we have gone through the kind of researches globally jo parenting ko lekar ke khas taur se hui hain, aur ek bahut khas program Shana ki team ne aapke liye taiyar kiya hai। So as a parent this program will help you, aapke bacche ko sabse pehle uska brain, उसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं ब्रेन के उनके समझने में आपको मदद मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे का जो बिहेवियर है, व्हाई सम टाइम दे बिहेव दे शुड नॉट, उसको समझने में आपको एक इंसाइट मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस एंड मेक देयर बिहेवियर बेटर, राइट। एंड देन आपको एक उनके जीवन में एक अनुशासन, एक नियमितता, एक डिसिप्लिन कैसे लेके आए उसके बारे में आपको जानने और सीखने को इस कोर्स में मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे के भीतर हम एक इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें, एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड विद सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो खासतौर से उसके भीतर सोशल इंटेलिजेंस कैसे पैदा हो, खासतौर से उस बच्चे में जो अकेडमिक एक्सेलेंस है वो कैसे पैदा हो, तो इन चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट, यू आर वन ऑफ द रेयर पेरेंट्स, दे आर कंसर्न सो मच कंसर्न अबाउट देयर किड्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल, यस दे आर कंसर्न, बट हाउ मच स्टेप्स दे आर टेकिंग फॉर दैट, हाउ मच पेन दे आर रेडी टू टेक। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम एंड आई डेफिनेटली प्रे टू गॉड दैट दिस पाथ शुड बी वंडरफुल, आपके बच्चे इस दुनिया को एक नई दिशा दें और आप उन बच्चों के निर्माण में उनको सहयोग दें। थैंक यू सो मच, आई वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम।